वन कंपोनेंट सिस्टम। तो हम फेस का नाम आपने इक्विलिब्रियम का नाम सुना होगा, उसमें हम वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर को लेते हैं और उसके इसमें हम टेम्परेचर प्रेशर, मैंने टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं और हम वहां पे वाटर की स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि तीन हमने पूरे ग्राफ को जो कि टेम्परेचर एंड वर्सेस प्रेशर के बीच में बनाया हुआ है, इसमें हम एक सेंटर पॉइंट होता है वो हम उसे हम जीरो के द्वारा इंडिकेट करते हैं। एक हम कर्व ले लेते हैं नीचे की तरफ क्या आया हुआ ओ ए, दिस इज द ओ ए कर्व एंड देन एक और इसमें कर्व है ओ सी कर्व एंड देन ओ बी कर्व। सो ये हमारा इस सेंटर पॉइंट है, इसको हम ओ के द्वारा इंडिकेट कर देते हैं। ये जो ओ कर्व है दिस इज द ट्रिपल पॉइंट, बिकॉज तीनों कर्व आके जहां पर मिलते हैं, जहां तीनों कर्व आके मिलेंगे, सो दिस इज ट्रिपल पॉइंट, तीनों कर्व का मिलने का स्थान है, जगह। सो व्हेन ओए कर्व इज द ओए कर्व इज डिवाइडेड बाय टू फेजेस, फर्स्ट इज अ वाटर सॉलिड फेज, वाटर मींस सॉलिड है ना, वाटर जो होगा जब सॉलिड कंडीशन में प्रेजेंट होता है, सो दिस इज द आइस, सो दिस इज द आइस आर सी ई आइस, एंड देन वाटर जब लिक्विड कंडीशन में प्रेजेंट होता है तो कंडीशन इज द फेज, तो हम उसे कहते हैं दिस इज वाटर लिक्विड फेज। सो ये हो गया जिसे हम पीने के लिए यूज करते हैं। वाटर को जब हम फ्रीज कर देते हैं तो आइस हो जाता है, तो इसीलिए इस कर्व के दोनों तरफ दो हमको फेजेस मिलेंगे, जैसे ओ ए ओ ओ सी कर्व के बीच में दो फेजेस है, एक है वाटर और दूसरा है आइस, तो ये दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम स्टेट पे तब तक प्रेजेंट होते हैं जैसे ओ से सी तक उसके लिमिट होते हैं। दूसरा नंबर है ओ बी कर्व, तो ओ बी कर्व में हमको दो फेजेस मिल रही है, दिस इज वाटर एंड वाटर वेपर, जब पूरा पानी बॉइल हो जाता है तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे गैसियस फेज, इसको हम गैसियस फेज कह सकते हैं। सो हमारा ये गैसियस फेज और लिक्विड फेज के बीच में, वाटर वेपर के बीच में जो फेज है उसको जो कर्व डिवाइडेड है वो है ओ बी कर्व, और इस ओ बी कर्व में इसके दोनों तरफ ये दोनों फेजेस प्रेजेंट होंगे। तीसरा कर्व हमारा आता है ओ ए कर्व, इसके बीच में भी हमको दो कंडीशन मिल रही है, पहली फेज मिल रही है सॉलिड और दूसरी फेज मिल रही है वेपर। जब पूरा सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो आपने कंडीशन देखी होगी कि कैम्फर जो है सीधे सॉलिड कंडीशन में होता है और वो इवेपोरेट हो जाता है गैसेस कंडीशन में, वन स्टेज कन्वर्टेड टू थर्ड स्टेज, सो दिस इज द सब्लिमेशन, इसीलिए उसका नाम सब्लिमेशन कर्व रखा है। जब पूरे का पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसे कहते हैं दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट कर्व। या ओ बी कर्व में जब पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सो दिस इज द वेपोराइजेशन कर्व। सो इस तरीके से ये तीनों ही कर्व जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। सो दिस ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इज 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दिस इज डिनोटेड बाय द डिग्री सेंटीग्रेड। जहां पर वाटर फ्रीज होता है वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। इस ट्रिपल पॉइंट पर जो है अगर आप देखें तो प्रेशर जो होगा वो एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, तो इसे डिनोट किया गया है 0.006 होता है एट ट्रिपल पॉइंट पर। एक और चीज है यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ देखिए 370 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, सो अबव बी पॉइंट मीन्स ओ बी का बी पॉइंट है, यहां तक जो हमारा टेम्परेचर है इस पॉइंट पर उसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और इस बी पॉइंट पर ही जो हमको प्रेशर मिलेगा यहाँ पर दिस इज द 218 atm, atm इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर, सो दिस इज क्रिटिकल प्रेशर एंड दिस एट दिस पॉइंट इज द दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर। हमारे पास ये पूरे कर्व को या टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में इसको ट्रिपल पॉइंट के बेसिस में हम तीन फेजेस हो गई, फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज वेपर, इसीलिए ये पूरा का पूरा कर्व तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, ओ ए कर्व दिस इज सब्लिमेशन कर्व, ओ सी कर्व दिस इज मेल्टिंग पॉइंट कर्व, और ओ बी कर्व दिस इज वेपर प्रेशर कर्व। ये किसके आधार पर इनका नाम रखा गया है कि हमारे पास मान लीजिए कर्व यहाँ पर
निकालने जा रहे हैं वन कंपोजिट सिस्टम है पानी। जब पानी को सॉलिड लिक्विड एंड वो गैसेस स्टेट में होता है तो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, इसीलिए हम यहाँ फेज डायग्राम फेज रूल को अप्लाई करते हैं। सो फेज रूल ऐसा होता है हमारे पास एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं जो कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसीलिए दिस इज टू इज द वेरिएबल, सी इज द कंपोनेंट, पी इज द प्रेशर, एफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, अगर हम किसी के लिए सिस्टम के लिए अप्लाई करें तो हम उसे कहते हैं फेज डायग्राम। सो एट दिस डायग्राम और एट दिस सिस्टम एफ इज इक्वल टू क्या होगा वो निकालने के लिए हम किस तरीके से निकाले, सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हर स्टेज के लिए अलग अलग होगा। इस एरिया के लिए ए को सी के लिए अलग होगा, बी को ए के लिए अलग होगा और सी को बी के लिए अलग होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसको आइडेंटिफाई कैसे करते निकालते कैसे मैं आपको बताऊंगा। सो एफ सी इज द कंपोनेंट, कंपोनेंट हमारे पास क्या है एक सिंगल कंपोनेंट है जिसे हम वाटर कहते हैं इसीलिए इसका नाम वन कंपोनेंट सिस्टम पड़ा। पी इज द फेजेस, फेजेस यहाँ पर हमारे पास तीन है, एक कंपोनेंट तीन अवस्थाओं में प्रेजेंट है जिन्हें हम फेजेस कहते हैं। तो पी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया थ्री, सी इज इक्वल टू हो गया वन एंड दिस इज द वेरिएबल्स प्रेशर एंड टेम्परेचर दिस इज टू। सो अप्लाई द डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो एफ इज इक्वल टू वन माइनस थ्री प्लस टू एट द ट्रिपल पॉइंट इज जीरो। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रिपल पॉइंट पर इसलिए जीरो हो जाता है। अब अगर हमको अप्लाई करना है ए ओ सी पर ट्रिपल पॉइंट इस एरिया के ऊपर देखना है कि क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास इस एरिया में एक फेज है तो ये हो गया सी इज इक्वल टू कंपोनेंट हमारे पास वन है। फेज कितना है हमारे पास यहाँ पर दो फेजेस है, एक हमारे पास आइस है और दूसरी हमारे पास पेपर है, तो हमारे फेजेस कितने हो गए टू प्लस टू। तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, अगर यहाँ पर हम निकालेंगे तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट आएगा, अगर हम ट्रिपल पॉइंट पर निकालते हैं तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट है। सो आपको ये पी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अलग अलग एरिया पे जब पी इज इक्वल वन होगा तो हम फेज इज इक्वल टू वन हो सकती है। किस फेज कहाँ होती है ये एरिया में फेज हमेशा वन होता है। P इज इक्वल टू टू होती है, कर्व के दोनों साइड फेजेस दो होती हैं, इसीलिए इक्विलिब्रियम स्टेट में P इज इक्वल टू टू हो जाता है। P इज इक्वल टू थ्री कब होता है एट दिस पॉइंट दिस इज द ट्रिपल पॉइंट, P यहाँ पे देखिए फेजेस तीन है, पहली है लिक्विड फिर है सॉलिड एंड देन फिर है वेपर, तो हमारे पास यहाँ P इज इक्वल टू थ्री होगा। इसका मतलब एरिया के लिए फेजेस अलग होती है, कर्व के लिए फेजेस अलग होती है और ये ट्रिपल पॉइंट के लिए फेज अलग होती है, बट कंपोनेंट इज अ कॉन्स्टेंट क्योंकि हम सिर्फ एक ही वाटर कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, तो इसीलिए हमारा कंपोनेंट हमेशा ही वन होगा। इसके बेसिस पे हम इस फेज रूल को अप्लाई करके सब के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग निकाल लेते हैं। अगर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होता है तो हम उसे नॉन वेरिएंट कहते हैं, अगर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम वन निकलता है तो हम उसे है ना यूनिवेरिएंट कहते हैं, अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम टू निकलता है सब बाई वेरिएंट सिस्टम कहते हैं। इसी के बेसिस पे सिस्टम्स को नाम दिया गया है। थैंक यू सो मच।